तो गाइस सबसे पहले क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह के एक पोज देके फोटो क्लिक करानी है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ इस तरह का सलाम करना है। एंड गाइस ये फोटो मैंने पहले से इसका बैकग्राउंड इरेज कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आपको देखना है फोटो का बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं तो उसके ऊपर पूरी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ओके सो मैं अभी कर देता हूँ बैक। सो गाइस फिर हमको लेना ये वाला बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड का लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ पर जाके इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ओके गाइस फिर हम जाएंगे ऐड फोटो के अंदर, ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइस हमको लेना है अपने मॉडल का PNG, देन इसे साइज को बड़ा करना है एंड अपने बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे लगाना। ओके देन फिर डन कर देना। ओके गाइस सो मैं अपने आंखों में गाइस एक अपना लेंस PNG लगा लेता हूँ, वो आपकी मर्जी गाइस, अगर आपको लगाना तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं अपना इसके अंदर अभी आईस PNG ढूंढता हूँ, कहाँ है भाई ये रहा, ठीक है। देन इसका साइज छोटा करता हूँ, सो इसको अब अपने आईस के ऊपर ऐसे सेट करना है एंड इसकी ओपेसिटी को ऐसे कम करना है 27 तक ले जाएंगे। ओके फिर यहाँ पे जाके डुप्लीकेट करूँगा एंड दूसरी आँख पे भी लगा लूँगा ऐसे। ओके गाइस फिर हमको यहाँ से सिंपली कर देना है डन, ठीक है। ज़्यादा मैंने इसकी ओपेसिटी नहीं करी क्योंकि फिर यार फेक लगता है, मतलब आँख ही कुछ अलग ही लगती है, बिल्ली जैसी आँखें लगती है, बहुत अजीब लगता है, इसलिए नहीं किया मैंने ज़्यादा। ओके गाइस फिर मैं जाऊँगा अब ऐड फोटो के अंदर, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको लेना है लेंस फ्लेयर का PNG, ठीक है। देन इस लेंस फ्लेयर को आपको लगाना अपने कंधे के पास ऐसे, तो अभी ऐसे लगा के डन मत कर देना गाइस, इसको ब्लेंड पे जाके स्क्रीन करना है हमको ताकि जितना भी इसके अंदर ब्लैक वाला एरिया सब रेज हो जाए। अब मैं इसका साइज बड़ा कर रहा है हल्का सा ऐसे एंड अपने इस एरिया पे लगा देना है। ओके अब देखिए काफ़ी मस्त लुक आ रहा है एंड फिर डन कर देना है। ओके गाइस फिर हम जाएंगे ऐड फोटो के अंदर, अब हम लेंगे लाइट्स PNG जो कि ये रे, तो इनको हम अपने हाथों पर सेट करेंगे। तो गाइस काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट बनाया मैंने आप सब लोगों के लिए ताकि आप इजीली बिल्कुल क्लिक करा सको एंड काफ़ी इजी तरीके से कोई भी एडिट कर सके। आप देखना काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा, तो हमें इसको लगाना अपने हाथ के ऊपर ऐसे। ओके सो अभी ज़्यादा लाइटिंग नहीं लग रही तो हल्का सा पहले जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा लाइटिंग नहीं लग रही, हम क्या करेंगे इसका डुप्लीकेट बना देंगे, इसी के ऊपर ऐसे लगा देंगे। अब ये लाइटिंग थोड़ी जो ज़्यादा हो गई आप देख सकते हो, ये देखिए है ना, एंड फिर डन कर देना है। फिर गाइस हम जाएंगे ऐड फोटो के अंदर, हम एक और लाइट का PNG लेंगे, देन इसको ब्लेंड पे जाके हम स्क्रीन करेंगे, देन इसको हमको लगाना अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे ताकि ऐसा लगे हमने अपने हाथ से लाइट्स को पकड़ रखा है, एंड फिर डन कर देना। फिर गाइस जाएंगे ऐड फोटो के अंदर, एक और PNG लेंगे पे लाइट्स का एंड फिर इसको ब्लेंड पे जाके स्क्रीन करेंगे एंड इस वाले को अपने हाथ के पास ऐसे लगाना। ओके एंड फिर डन कर देना। सो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है, देखिए ये जो लाइट्स है ना काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बना रही है हमारे फोटो में, जैसे आप देख सकते हो है ना। फिर गाइस हम जाएंगे ऐड फोटो के अंदर एंड अब लेंगे हम बर्ड्स के PNG जो कि ये रहे हम उड़ते हैं, मतलब कबूतर है छोटे छोटे से। देन इसको आपको सिंपली से जो कोने कोने में एरिया दिख रहा होगा एजेस, इसको अपने बैकग्राउंड से मैच करा देना है ऐसे, ठीक है। बिल्कुल परफेक्टली आपके लग जाएंगे बैकग्राउंड आपके फोटो के ऊपर ऐसे एंड फिर डन कर देना। ओके फिर हम जाएंगे ऐड फोटो के अंदर, अब ईद मुबारक का टैग्स PNG। सो गाइस ईद मुबारक आपको मेरी तरफ से, सबको ईद मुबारक हो एडवांस में, ठीक है। सो ऐसे प्यार बनाए रखो अपना एंड खुशी खुशी ये फेस्टिवल को बनाओ, ठीक है। तो इसको हम लगा लेंगे अपने फोटो के ऊपर ऐसे। अब
ये पूरा कॉन्सेप्ट रेडी हो चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमारा ईद का, जो कि काफी ज्यादा डोप लग रहा है, आप देख सकते हो। अगर कल ईद पे आप अपलोड करो तो काफी ज्यादा ऑसम लगेगा। ओके सो गाइस, अब आप देख रहे हो हमारा जो कॉन्सेप्ट पूरा रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे इसके अंदर कलर ग्रेडिंग। तो जो कलर ग्रेडिंग करेंगे गाइस, वो हम करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था। तो टूल्स में जाना है, सबसे पहले एडजस्ट में जाना है। तो सबसे पहले गाइस हम छेड़ेंगे इसका कॉन्ट्रा, जो कि हमें करना है हाई ऐसे। ओके फिर क्लियरिटी पे जाना है, क्लियरिटी को हल्का सा बढ़ाना है हमको। एंड फिर गाइस हमको जाना है शैडो पे, शैडो को हल्का सा इंक्रीज करना है, ठीक है। फिर आपको गाइस पीछे ऑप्शन दिखेगा टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्लिक करना है। टेम्परेचर इधर नीचे करोगे तो ब्लू टोन में जाता है आपका हमेशा, ऊपर करोगे तो येलो टोन में जाता है। तो हमारे जो मैंने यूज करा है ना, येलो टोन हमको देना है, क्योंकि हमारे चारों तरफ येलो येलो लाइट्स है एंड येलो लेंस दे रहे हैं, इससे हमारा बैकग्राउंड से पूरा मैच होएगा। एंड जो टेक्स्ट पेन ये भी हमारा येलो है, तो हमें ऊपर कर देंगे इसको हल्का सा ऐसे। ये देखिएगा इस, आपको दिख रहा है मैच होता हुआ। ओके फिर हम हल्का सा कॉन्ट्रास्ट और बढ़ा देते हैं ऐसे फोटो का, एंड हाईलाइट को इतना रहने देते हैं, शैडो वगैरह को हल्का सा कम कर देते हैं उसका। एंड फिर हमको कर देना है डन, ठीक है। तो अब देखना गाइस, पहले ऐसी थी, हमने इसके अंदर कलर ग्रेडिंग करी, हल्का सा येलो टोन दिया, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रही है, काफ़ी ज़्यादा लोडिंग में नहीं। ओके सो गाइस, अब हम देंगे इसके अंदर 7 में से इफेक्ट, ताकि हमारे फोटो बिल्कुल HD में हो जाए। तो इसके लिए आपको सब लोगों को जाना पड़ेगा इफेक्ट में, देन आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे एफेक्ट्स में जाना, ठीक है। फिर लास्ट में जाना है हमको, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपको शार्पनेस, शार्पन ये रहा शार्पन, ठीक है। इस पर क्लिक करना, एंड कितना आपको शार्पनेस चाहिए आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो पूरा मत कर देना, नहीं तो बहुत गंदी फोटो लगेगी। तो हम इसको मीडियम में रखेंगे, थोड़ा सा नीचे करके 36, एंड फिर डन कर देना। सो गाइस, अब मैं आपको अपनी फोटो जूम करके दिखा रहा हूँ, फोटो की क्वालिटी देखना गाइस। ये सिर्फ मैंने फोटो पिक्सआर्ट के अंदर एडिट करी, अभी आप देखना, देखना जूम करके दिखा रहा हूँ, फोटो की क्वालिटी बिल्कुल कम नहीं, जैसे आपको दिख रहा होगा है ना। अब बिफोर आफ्टर तो इसमें हो ही नहीं सकता, लाइटर नहीं है ये। तो देख रहे हो गाइस, कॉन्सेप्ट हमारा पूरा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। काफ़ी लोग बोल रहे थे तो अगर भाई ईद के ऊपर वीडियो देखा, तो हमारा भाई ईद के ऊपर वीडियो लेके आ गया। एंड गाइस ये कल आप ईद के दिन अगर अपने ये इस तरह के कॉन्सेप्ट में फोटो क्लिक करके अपलोड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा औसम लगेगा आप सबके दोस्तों वगैरह को, फ्रेंड्स वगैरह को, ठीक है। सो गाइस, आप सब लोग जाओ जल्दी से इस तरह के फोटो एडिट करो, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, इस तरह की क्लिक करा के एडिट करो। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो जो मेरी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लाते रहते हैं। सो गाइस चल चलते हैं, मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय। एडिंग करो मोर, सो लव यू ऑल, बाय माय रिट्स आर्मी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।